कुलकर्णी सरकार, आपको कैसे पता यहाँ क्या हुआ है? शिरडी में कुछ हो और मुझे पता न चले, ये कैसे संभव है आप्पा जी? आज तात्या के मासूम बच्चे पर हमला हुआ है, कल किसी और बच्चे पर हो सकता है। उसने हम पर भी हमला किया था, बहुत ताकतवर है वो, बच्चों को उठाकर ले जा सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। अभी भी समय है, आंखों देखे सबूतों को मानो और बाहर निकालो वो नई बस्ती वालों को। हाँ, मैं नहीं मानती। साई ने कहा है उसे उंद्रिया पर पूरा भरोसा है। साई ने यह भी कहा है कि नई बस्ती वाले लोगों के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उस फकीर पे इतना भरोसा करती है आप, फिर भी आपके घर पर आक्रमण हुआ, चोरी हुई, आपको माँ कह के पुकारता है ना वो? जब आपके घर की सुरक्षा ना कर पाया तो किसी और की सुरक्षा क्या करेगा वो? देखो, बचने का एक ही विकल्प है, नए बस्ती वालों को मार मार के यहां से भगा दो। नहीं, ये साई के सीख के विपरीत होगा। सरकार ठीक कह रहे हैं, उनको यहां से भगाना ही होगा, उनके यहां रहते कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल ही फैसला करना होगा, हर दिन खतरा है। अब आनंद आएगा, जब गांव में श्रमिक ही नहीं होंगे तो बलवन की मील कैसे बनेगी, साथ ही उस फकीर की भी पराजय होगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। उंद्रिया चला गया, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? इससे ठंडी हवा आज तक महसूस नहीं की चारुहास। ये पंखा आपके बेटे ने बुना है माई। सच बोल रहे हैं? सच ही बोल रहा हूं माई, आपके बेटे ने सिर्फ ये पंखा ही नहीं बुना है बल्कि अपने बिखरे हुए जीवन को बुनना भी शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं माई जब आपको इसे छुपाने का नहीं
बल्कि इसकी उपलब्धियां समाज को दिखाने का मन होगा। आखिर ये कोई मामूली इंसान नहीं है, चारुहास है ये, सबके चेहरे पर खुशी लाएगा। राम जी भला करे। ये आप क्या कर रहे हैं? इसने कल रात गांव के एक घर से चोरी की है, एक बच्चे पर हमला भी किया। ये इस गांव में नहीं रहेगा। केवल उंद्रिया ही नहीं, शिरडी की भविष्य के लिए, शिरडी की सुरक्षा के लिए इन सारे नए बस्ती वालों को यहां से निकालना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सरकार? गलती तो उंद्रिया ने किया है, उसकी सजा आप हम लोगों क्यों दे रहे हैं? बात तो सही है सरकार, गलती उंद्रिया की है, तो इसे अकेले कोई भगाना चाहिए ना। क्या तुम्हें विश्वास है ये सारे बस्ती वाले दूध के धुले हुए हैं? इनके यहाँ रहने से कोई संकट नहीं आएगा? लेते हो इसका उत्तरदायित्व तो ठीक है। हरिओम हरिओम, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे ये लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं? कुछ पता नहीं है हमें। आज हमला हुआ है, चोरी हुई है, कल कोई और चोर निकल आएगा, किसका कैसे भरोसा करोगे? कल किसी बस्ती वाले ने हमला कर दिया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उत्तर दो, मुझे उत्तर चाहिए। और ये भी स्मरण रखो, एक बार प्राण निकल गए तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। सरकार सही कह रहे हैं, इन सबका यहां रहना खतरे से खाली नहीं, इनको यहां से निकालना होगा। उंद्रिया को आप लोग क्यों कोस रहे हैं? इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया है। हरिओम हरिओम, मेरे पूरे जीवन में मैंने एक भी ऐसा चोर नहीं देखा जिसने मुझे आकर कहा हो कि मैंने चोरी की है। नहीं सरकार, उंद्रिया चोर नहीं है, ऐसे रात को किसी के घर पे घुसना और किसी पर हमला करना ये इसके बस की बात है ही नहीं। सरकार जरूर कोई गलतफहमी हुई है सरकार, अगर आप हमें यहाँ से निकलवा देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे सरकार। चुप! अरे इनके बहाने सुनने नहीं आए हैं हम, देख क्या रहे हो, इनके झोपड़े तोड़ दो। अगर कोई बीच में आए तो जला देना इनके झोपड़े। नहीं नहीं, अरे देखो कितना दुष्ट है, उग्र भी है, जाल काट डाला इसने, ये क्या रहे हो? इतना मारो कि दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस ना करे, जाओ। नहीं, माफ कर दीजिए सरकार, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अब तू सिखाएगी सरकार को न्याय या नहीं? चला। गौरी, ये क्या रहे हो? मारो इसे। पूरे लेते हो और कमजोर लाठियां लाते हो? कमजोर लाठियां नहीं कुलकर्णी सरकार,
आपकी दलील है। जिसके आधार पर आप उंद्रिया और इन बस्ती वालों पर आरोप लगा रहे हैं। सही। राम जी भी देख रहे हैं, जो हो रहा है गलत है, इसीलिए वो भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अरे तो ये तेरा काला जादू है फकीर, लेकिन सुन, आज ना तेरा यहाँ काला जादू चलेगा, ना तेरी चिकनी चुपड़ी बातें। और ये प्रमाणित हो चुका है कि उंद्रिया वही लड़का है जो रात के अंधेरे में बंदर का रूप लेकर आता है। मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए कल रात मैंने संता पंता को उंद्रिया के घर के बाहर दृष्टि बनाए रखने के लिए कहा था। जब आक्रमण हुआ तो उंद्रिया घर में नहीं था। रात को अंधेरे में कहां चला गया था? जब इसके माँ बाप सो रहे थे तो ये बिना बताए घर से बाहर गया था। साईं, रात को जब हम उस आदमी के पीछे आए तो उसको यही उंद्रिया के घर की तरफ भागते हुए देखा। सुना सुना कुलकर्णी सरकार, क्या तुम में से किसी ने उस आदमी को उंद्रिया के घर में घुसते हुए देखा? लेकिन इतनी रात को केवल उंद्रिया ही घर के बाहर था। इस गांव का मुखिया हूं मैं, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शिरडी के सुरक्षित भविष्य के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए बाहरी लोगों को यहां से निकालना ही होगा। और रही बात उंद्रिया की, इतना वयस्क होकर बच्चों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन यह इसका नाटक है ताकि इस पर कोई संदेह ना करे। इन्हें बताओ उंद्रिया, ये तुम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम अपनी मदद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इन सबको बताओ उंद्रिया, कहां गए थे तुम? बताओ उंद्रिया, कल रात किसके साथ थे तुम? साई, साई के पास। शाबाश उंद्रिया, ये मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने सच के लिए लड़ो। जितना तुम दबोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाते रहेंगे। सुन लिया आप सब ने, कल जब हमला हुआ तब रात के पहले प्रहर से दूसरे प्रहर तक उंद्रिया मेरे साथ द्वारका माई में था। ये अपनी आई के लिए एक पंखा बना रहा था और मैं इसे सिखा रहा था। देर रात मैं खुद यहां आया था इसे छोड़ने। हाँ, ये सच है, कल साई ही इसे छोड़ने आए थे यहां पर, और आज आज सुबह भी ये साई के पास ही गया था जहां से उसने ये पंखा मुझे पूरा बना के दिया। अगर उंद्रिया हमले के वक्त मेरे साथ था तो हमलावर कोई और होगा, है ना? अरे, इस फकीर ने सदैव चोर चक्कों को बचाया ही है। नहीं, हमें साई पर पूरा भरोसा है, अपने से ज्यादा हमें इन पर भरोसा है। हाँ, अगर साई कह रहे हैं तो यही सच है, चोर कोई दूसरा होगा। कुलकर्णी सरकार, आप तो गुस्से में लग रहे हैं, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए।
आपके हाथों से एक अन्याय होते बच गया। अन्याय तो अब होगा फकीर। इस आदमी को बचाकर तूने शिरडी में संकट के द्वार खोल दिए हैं। ये जो भी करेगा उसका दायित्व तुम पर होगा, तुम पर। मुझे स्वीकार है कुलकर्णी सरकार, क्योंकि मुझे उंद्रिया पर भरोसा है। टूटेगा वो भरोसा, टूटेगा। अगली बार ऐसा प्रमाण लाऊंगा कि तू भी झूठला नहीं पाएगा उसे। जब आप साबित कर देंगे कि इन घटनाओं के पीछे उंद्रिया या कोई नई बस्ती वाला है, तो मैं खुद इन नई बस्ती वालों को यहां से जाने के लिए कहूंगा। हरिओम। बात का जवाब मारना नहीं होता। अगर वो साई के पास जाता है तो इसमें बुराई क्या है? आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। जब भी ये साई के पास होता है एकदम शांत हो जाता है। अगर उस दिन वो साई के पास नहीं गया होता तो ये गांव वाले उसे चोर समझ बैठते। गौरी, मेरा डर है ये लड़का हमें यहाँ टिकने नहीं देगा। मन करता है कहीं से छोड़ा। उंद्रिया खेलो। उंद्रिया फिर से बच्चों को परेशान कर। ए उंद्रिया रुक। ए उंद्रिया क्यों हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं? क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों के कारण हम लोग बदनाम हो रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप लोगों को बस्ती से निकाला नहीं, लेकिन ये है कि सुधरने के बदले और ही बिगड़ता जा रहा है। धक्का, इसने धक्का। इस बार तो सिर्फ धक्का मारा है, अगली बार अगर हमारे बच्चों को डराने की कोशिश की ना तो डंडे से सर फोड़ दूंगा, समझा? संभालो अपने बेटे को, चकले देखिए इसकी, ना कभी नहाता है ना कभी मूड होता है, हरकतें भी एकदम जंगली वाली है। अब तो हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि गांव वालों को रात के अंधेरे में यही डराता होगा। नहीं, ये सच नहीं है। सच झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव के कई लोग अभी भी इस पर शक कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से शिरडी वालों ने हम सबको यहाँ से निकाल दिया तो तुम्हारे परिवार की वजह से हम सब भूखे मरेंगे, उसका क्या? इन लोगों से बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। इन्हें जरा से भी शर्म होती ये लोग कब के निकल गए होते यहाँ से। ये लोग बेशर्मों की तरह यही टिके हुए। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? ये काम भी हमारा सहारा है। अरे इस जंगली को लेकर जाकर किसी जंगल में छोड़ाओ, बस्ती से इसे बाहर निकालो ताकि तुम भी चैन से रहो और हम भी चैन से रहे।
हाँ हाँ निकालो इसे, अभी के अभी निकालो, और ये नहीं चाहता है तो इसे जबरदस्ती लेकर जाओ। कोई काबू नहीं है आप लोगों का इस पे। अब पता नहीं कहाँ जाके और क्या कांड करने वाला है ये। उंद्रिया, उंद्रिया रोक, उंद्रिया, और कितनी बेइज्जती कराएगा मेरे? जाने दीजिए उसे, मैं जानती हूँ वो कहाँ गया है। शाम को आते समय मैं उसे लेते आऊंगी। लेकिन कहाँ गया है वो? इस पूरे गांव में एक ही जगह है जहाँ पर उसे प्यार और अपनापन मिलता है। एक ही इंसान है जो उसे इंसान समझता है, उन्हीं के पास गया है। उंद्रिया पे सब गुस्सा, सब मारते, कोई प्यार नहीं करता, कोई कहना भी नहीं। लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं चारुहास, और तुम्हारी आई भी। उंद्रिया का कोई दोस्त नहीं है, पापा को अच्छा नहीं लगता, बाबा चाहते नहीं उंद्रिया का कोई दोस्त बने। वो भी चाहने लगेंगे, लेकिन पहले कुछ खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना, दिन का खाना भी नहीं खाया है तुमने। बाबा खाना नहीं दिया, सजा दिया। अब मैं कह रहा हूं ना तो खा लो। वहां मटकी में कुछ लड्डू रखे हैं मैंने। लड्डू? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.